सर, जिस तरह से हीट वेव का लगातार प्रकोप जारी है, आज भी कल भी, कल तो बहुत ज्यादा गर्मी का बुरा हाल था चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब हरियाणा में, आने वाले दिनों में किस तरह से रहने? देखिए, जैसा कल सिचुएशन था तो अभी जो प्रेजेंट इंडिकेशन है उसके अनुसार आज और कल बिल्कुल वैसा ही आपको सीन रहने वाला है। जिस तरीके से गर्मी आपने संडे को महसूस की, उसी तरीके की गर्मी आज और कल आप महसूस करने जा रहे हैं। मतलब 27-28 को भी आपको उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। मतलब हीट वेव, सीवियर हीट वेव के कंडीशन या फिर वार्म नाइट के कंडीशन जो है आपको परसिस्ट करेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। हाँ, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी घट सकती है, लेकिन सिचुएशन सेम रहेगा। मतलब हीट वेव के कंडीशन, सीवियर हीट वेव के कंडीशन, थोड़ी सी इंटेंसिटी आपको घटेगी। तो अगले 3-4 दिनों तक आप कोई राहत महसूस मत करिए कि आपको कुछ राहत मिलने वाला है। कोई राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब के मेजर जोन आपको आइदर रेड जोन में रहेंगे या फिर ऑरेंज जोन में, और इसी तरह चंडीगढ़ और हरियाणा का भी मेजर जोन आपको आइदर रेड जोन या फिर ऑरेंज जोन में रहेंगे। जी सर, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है, आप लोगों की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन जैसे कल संडे का जैसे आपने बताया काफी ज्यादा 44 पॉइंट समथिंग कुछ था, करीब 45 डिग्री के हिसाब से, तो कुछ राहत 2-3 दिन बाद राहत मिलने वाली है या फिर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस तरह, क्योंकि अगले महीना जून का है? नहीं, सबसे क्रूशियल जो डेज है आपको 26, 27, 28 है, ये तीनों काफी क्रूशियल है। अभी जो आपको चार्ट वगैरह जो दिख रहे हैं, आज कल काफी क्रूशियल है, कल भी क्रूशियल था, आज मतलब कि 26, 27, 28 क्रूशियल है। उसके बाद थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मतलब कि जैसे हम बोल देंगे कि कल मेजर पार्ट जो आप 45 पहुंच गया था वैसा नहीं पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आपको हीट वेव के कंडीशंस आपको कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन जहां तक आज और कल की बात है, लोगों को तैयार रहना पड़ेगा इस जानलेवा गर्मी के लिए, मतलब कि छप्पर फाड़ जो गर्मी है उसके लिए। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी राहत पाएगी, लेकिन हीट वेव में राहत अभी नहीं मिलेगी। सर, मैप के जरिए समझना चाहेंगे कि किस तरह से अगर हम बात करें पंजाब के कौन कौन से एरिया में ज्यादातर जो है वो गर्मी का प्रकोप? हाँ, आप ये देख सकते हैं, ये हमारा जो पंजाब का एरिया है, आप ये देख सकते हैं कि मेजर जो मालवा रीजन जो है वो हाईली सेंसिटिव है। जैसे फजिलका हो गया, बठिंडा हो गया, ये आपको रीजन जो हाईली सेंसिटिव है, ये रेड जोन में हमने रखा हुआ है। इसे भी रीजन आपको रेड जोन में रखा हुआ है, और बाकी रीजन ऑरेंज जोन में या फिर येलो जोन में हमने रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं रेड जोन हाईली सेंसिटिव है, लेकिन जो ऑरेंज जोन भी है वो भी एज बैड एज रेड, मतलब ये कभी भी आपको रेड में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये 26 का हो गया, 27 का हो गया, 28 का हो गया, 29 का हो गया, आपको अभी राहत मिलने की कोई संभावना आपको नहीं दे रहे। इवन 30 को भी राहत मिलने की थोड़ी मोड़ी आपको संभावना दे रहे 30 को, लेकिन अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड है उसके अनुसार लोगों को हीट वेव और सीवियर हीट वेव के लिए अगले 3-4 दिनों तक मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। अगर सर मानसून आता है, जैसे पहली जून को मानसून जो है वो साउथ में आ रहा है, उसका कुछ असर जो है वो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में कुछ देखने को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मानसून की एंट्री जो होगी केरला तट पर होगी। केरला तट पर आपको 1 जून को एंट्री हो जाती है, लेकिन जहां तक पंजाब और हरियाणा है, यहां तक पहुंचते पहुंचे वो महीने के जून के लास्ट में पहुंचेगा, 27-28, और इस बार जो है एक्सपेक्टेड है कि वो 30 जून को यहां पर पहुंचेगा। तो जब तक यहां पर मानसून की एंट्री नहीं हो जाती है, तब तक आपको आपको गर्मी से राहत मिलने की संभावना यहां पर नहीं है, क्योंकि मानसून के आने के बाद ही आपको गर्मी से अच्छी खासी राहत मिलती है। तो मानसून केरला पर हिट भी कर जाता है तो उसका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के टेम्परेचर पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।